शुक्रवार 17 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन एएसआई की टीम वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में यह रिपोर्ट अपने अंतिम समय पर जमा नहीं कर पाई, जिसके बाद टीम ने 15 दिन का अतिरिक्त समय कोर्ट से मांगने के लिए अदालत में आवेदन दिया, जिस पर आज शनिवार को सुनवाई हुई। इसके बारे में बताते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि एएसआई की टीम ने रिपोर्ट कंप्लीट ना होने के कारण कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा। आज की सुनवाई में जिला जज कुछ नाराज भी रहे और उन्होंने कहा कि 10 दिन से ज़्यादा का समय हम किसी भी हाल में नहीं देंगे। एएसआई को अब 10 दिन में ज्ञानवापी में हुए सर्वे की पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी। आज सुनवाई के दौरान सबसे पहले एएसआई ने 15 दिन का अवधि मांगा था और भी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, जो कि हैदराबाद की लैब से अभी तक यहां पे उपलब्ध नहीं थी, जिसका डॉक्यूमेंटेशन होना था। इस आधार पे 15 दिन का समय मांगने पर कोर्ट रिजिड होते हुए कोर्ट थोड़ा सा आक्रोशित हुआ और उन्होंने कहा कि 10 दिन से ज़्यादा आपको किसी हाल में हम समय नहीं देंगे। अतः 10 दिन का समय एएसआई को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मिला हुआ है। और दूसरा, आज 1991 से चल रहे मुकदमे के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने सीपीसी की 110 के तहत एप्लीकेशन देके इसमें वाद मित्र बनने का उन्होंने प्रार्थना दिया है और ये आपत्ति की कि चूंकि 1991 का मुकदमा टाइटल सूट है, यानी समग्र परिसर पे दावा किया गया है और उन्हीं के द्वारा, सोमनाथ ब्यास जी के नाती के द्वारा मात्र एक कोने पर उनके तहखाने तक का दावा किया जा रहा था, ये विसंगतिपूर्ण है और सोमवार को कोर्ट ने समय दिया, यानी अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इसके पहले भी एएसआई को जो है लगभग दो बार जो है अदालत में जो है समय दे चुके हैं, तो क्या अदालत ने इनको पत्थर भी लगाई है? आज निस्संदेह आज कोर्ट ने एएसआई के अधिवक्ता के माध्यम से एएसआई को फटकार लगाई है कि आप इतना डीले क्यों कर रहे हैं, इसको शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करिए। जी, अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने तो निस्संदेह आज पूरा बड़े आवेश में रहे और उन्होंने कहा कि ये समय पर समय लेके एएसआई क्या दिखाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये बड़ा सरासर नाइंसाफी है, जबकि कोर्ट में उनके अनुसार यानी एएसआई के अनुसार ये समय इतना नहीं कही गई थी, यानी कि उस पर रिजिड थे, लेकिन ये लिंगर किया जा रहा है, अतः हम उससे असंतुष्ट हैं। माननीय न्यायालय इसी बात को सुनते हुए 10 दिन का ही मात्र समय एएसआई को दिया है। अगली सुनवाई 16 20 नवंबर को होगी।